कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशा नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरी शुभकामनाएं मैं भूपेश आनंद दोस्तों आज आपके सामने दोबारा से एक बार अपना ज्ञान आपके पास पहुंचाने के लिए फिर मैं आया हूं दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सीए मैं सीएस मैं सीएमए दोस्तों आज हम लेक्चर 8 की बात करेंगे लेक्चर 8 तो बेटे आज हम एंटर कर चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी दो लेक्चर और लगेंगे फाइनल अकाउंट्स को कंप्लीट करने के लिए आज का लेक्चर छोड़कर तो बेटे एक बार दोबारा से आप लिख लें फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज सभी लिख लें बेटे प्लीज फाइनल अकाउंट्स बेटे फाइनल अकाउंट्स एक सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे कंपनीज एक्ट 2013 में जो चेंजेस आई बेटे उस वजह से ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया और मेरा सुझाव रहता है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का टॉपिक का चैप्टर आप फाइनल अकाउंट्स के बाद ही करें क्योंकि उसमें तो बैलेंस शीट ही बनानी है और सारी बैलेंस शीट बेटे फाइनल अकाउंट्स आते होंगे तभी बना पाएंगे तो मैं भूपेश आनंद आपको यही सलाह दूंगा कि आप लगातार क्वेश्चंस करते रहें 12 क्वेश्चंस मैंने दिए आप प्रैक्टिस मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैनुअल बेटे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स भी इंस्टीट्यूट दे रहा है बेटे रिविजनरी टेस्ट पेपर्स भी इंस्टीट्यूट दे रहा है आप गूगल के सर्च में खाली प्रैक्टिस मैनुअल डालें बाय आईसीएसआई तो आपके सामने वो लिंक आ जाएगा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स रिविजनरी टेस्ट पेपर्स बेटे आप सभी को वो जरूर करने चाहिए लेकिन एक चीज मैं बता दूं अगर आपने ये 12 क्वेश्चंस ईमानदारी से कर लिए जो मैंने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में दिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आप पहले से ही सब कर चुके होंगे हाँ इंटरनल कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए जरूर करना चाहिए मैं तो यही सलाह दूंगा आइए एक मिनट के लिए भगवान को याद करें बेटे इन्हीं बातों के साथ आइए बेटे हम शुरू कर दें कहानी किस्मत की बेटे आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 8 चल रहा है बेटे आज हमारा जो लेक्चर है मैं एक बात थोड़ा सा बता दूं आपको कि लेक्चर 8 में आज हम क्या करने वाले हैं बेटे लेक्चर 8 में
एक तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 3 बेटे जो मैंने एक क्लास में होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 3 कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बेटे बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊं और उसके बाद बेटे आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थोड़ी सी और बाकी रह गई थी उसका नाम है बेटे डिविडेंड एडजस्टमेंट्स एज पर सेंट्रल एज पर ट्रांसफर टू रूल्स वो देख लेंगे तो कुल मिलाकर मैं बेटे आज दो बातें करने वाला हूं एक क्वेश्चन 3 और एक डिविडेंड एडजस्टमेंट तो आज हम दो क्वेश्चंस करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंटली काम चलेंगे ठीक है जी मैं एक बात कहता हूं दोस्तों कई बार मैं देखता हूं फेस टू फेस वाले बच्चों के चेहरे छोटे छोटे रहते हैं मुंह छोटा कर लेते हैं डरे रहते हैं घबराए रहते हैं बेटे मैं एक बात कहना चाहूंगा डरना और घबराना किस बात का क्या हो क्या जाएगा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा आप सोचिए ना भगवान हमारे को क्या डराने के लिए हमें नीचे भेजा है बेटे आप डर के जब करते हो ना तो पूरा 100% नहीं दे पाते आपको 100% देना है चाहे जितनी मर्जी बारिश हो चाहे जितनी मर्जी बिजलियां कड़के क्योंकि बेटे बारिश वही होगी जहां पर आपका आशिया होगा आप मेरी बात को समझ लें आज मुझे कहानी याद आ रही है एक शेर याद आ रहा है आज बादलों ने फिर साजिश की है इधर फरमाइएगा आज बादलों ने फिर साजिश की है जहां मेरा घर था जहां मेरा घर था वही बारिश की है इशाक फरमाइएगा मैं कह रहा हूं जी आज बादलों ने फिर से साजिश की है जहां मेरा घर था वही बारिश की है जहां मेरा घर था वही बारिश की है अगर फलक बेटे आसमान को बोलते को जिद है अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की अगर आसमान को जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वही आशिया बनाने क्या बढ़िया बेटे क्या बात बोल दी आराम से बेटे इस बात को सुने देखे मैंने क्या लिख डाला बेटे बहुत गहरी बात लिख डाली आज बादलों ने साजिश की है जहां मेरा घर था वही बारिश की है जब मैं पास होना चाहता था उसी अटेम्प्ट में मुझे फेल किया कोई बात नहीं लोधी रोड ICSI कोई बात नहीं अगर तूने ठान लिया है बिजलियां गिराने का जून दिसंबर 25 फरवरी और 25 अगस्त में अगर तूने ठान लिया है बिजलियां गिराने का तो मेरी भी साजिश है मेरी भी जिद है मैं वहीं पे आशिया बनाऊंगा 25 फरवरी 25 अगस्त में ही आशिया बनाऊंगा बेटे ये जज्बा अगर होगा आपका और ये जिद होगी बेटे भिखारी जो होते हैं ना जिद्दी भिखारी वो बेटे लेके जरूर जाते हैं पैसे जाते नहीं बेटे तो जिद्दी बन जाना बेटे और जिद पूरी करनी है अपनी फिर देखते हैं ये आसमां और ये फलक क्या करेंगे हमारा कुछ नहीं कर सकते तो बेटे एक बार आप सभी थ्योरी की एक दो बातों में आ जाए मैं थ्योरी के पेजेस कुछ चाह रहा था आप निकाल ले एक बार बेटे कभी आपने देखा ये बैलेंस शीट वगैरह मैंने आपको बनाकर दिखाई गूगल से डाउनलोड की www.moneycontrol.com कभी साइट में आपको टाइम मिले तो बेटे हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट यहां पर है बेटे पिछले बहुत वर्षों की भी है और EPS डायरेक्टर्स रिपोर्ट नोट्स टू अकाउंट ऑडिटर रिपोर्ट बेटे सब कुछ है चेयरमैन स्पीच बेटे समय मिले तो एक बार आप जरूर साइट देखिए जो भी कंपनी की चाहिए उसकी बेटे बैलेंस शीट पढ़िए तो चलिए जी रैंड वैक्सी की मैंने बैलेंस शीट बनाकर दिखाई रैंड वैक्सी तो मैंने
पहला क्वेश्चन तो करा दिया था, दूसरा भी करा दिया था, ये सेकंड भी करना था, ये हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, थर्ड भी कर लिया था डिस्कस, मैं फोर्थ भी कर चुका हूँ डिस्कस जहां तक मुझे याद आ रहा। बेटे मैं चाहता हूं कि जो एक दो बातें नहीं बताई थी मैं पहले उनको बता दूं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर सिक्स आज के लेक्चर में नहीं, मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नाइन्थ लेक्चर में। आज बेटे मैं ये कहना चाहता हूं सेवन्थ क्वेश्चन को पहले निकालें। बेटे पेज नंबर 255 कमर सीधी कर लें बेटे, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, रजिस्टर खोल लें, पेन साथ में रख लें, पानी भी रख लें, बार बार उठने नहीं आपने, एक ही जगह बैठे रहना जब तक ये लेक्चर कंप्लीट नहीं होता। कसम होगी अगर आप बीच में उठ गए तो कुछ मर नहीं जाओगे, अगर बीच में नहीं उठोगे तो बार बार उठते रहते हो, ढीले रहते हो, लेटते रहते हो, लेट के पढ़ते हो, लिखते नहीं हो, कमर ढीली रहती है, झुकी रहती है, पांव ढीले रहते हैं। बेटे नहीं बेटे, ये सब नेगेटिव फीचर्स हैं इंसान के। तो बेटे आप उठना नहीं है, आपने मन लगाकर पहले मेरा पूरा लेक्चर ये डेढ़ दो घंटे का सुनना है। तो बेटे क्वेश्चन सेवन देखिए, व्हाट इज द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे वैसे डेप्रिसिएशन को लेकर तो मैंने आपको एडजस्टमेंट कराई कि डेप्रिसिएशन होती क्या है, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में क्या होती है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। आप बताइए आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन क्या होती है और डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं। बेटे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आप जब कोई एसेट को यूज करते हैं तो बेटे उसमें टूट फूट हो जाती है, उसमें टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, उसमें बड़ी सारी कमियां आ जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अब बेटे 10 लाख का आपने एसेट लिया, 10 साल उसकी लाइफ है, आप ये बताइए 10 साल पहले जब खरीदा था तो मैंने तो एसेट डेबिट टू बैंक कर दिया था। बेटे अब एक्चुअली में तो इस पे खर्चा हो रहा है, दिख नहीं रहा आपको, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं जा रहे। आपने एसेट खरीदा, आपने मोबाइल फोन परचेज किया नया 10,000 का सैमसंग टच स्क्रीन, अब आपको नहीं पता चल रहा वो 10,000 रुपए की चीज की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। बेटे एक बार तो आपसे टच टूट गया, फिर आपने वो टच का शीशा चेंज करवाया, फिर बेटे एक बार कुछ और गिर गया, अब एक कई बार क्या होता है बेटे नया मॉडल आया था मोबाइल फोन का, अब हो क्या रहा है कि आपके मोबाइल फोन की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। और अचानक बेटे जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी, आप नया मोबाइल फोन लेंगे, तो बेटे वो पैसे आएंगे कहां से? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, कंपनीज को, अपने असेसीज को ये कहता है कि जब आप कोई फिक्स एसेट लेते हैं तो आप उस पर डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि कुछ खर्चा तो हो ही रहा है। हाँ वो दिख नहीं रहा खर्चा बेटे, लेकिन हो तो रहा है ना, तो उसके ऊपर आप हर वर्ष डेप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा लें। तो इस क्वेश्चन में यही बात समझ आ रही है कि बेटे डेप्रिसिएशन क्या होती है, इनकम टैक्स एक्ट में क्या कहते हैं, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, इससे कैश फ्लो में कहां ट्रांजैक्शंस में बदलाव आएगा। तो बेटे डेप्रिसिएशन के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, और बेटे डेप्रिसिएशन को आप उसकी प्रोविजन भी बना सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना सकते हैं, ये आपने कैश कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में किया होगा, फाउंडेशन में किया होगा। तो बेटे डेप्रिसिएशन की वजह से क्या क्या बातें होती हैं वो बातें हमें मालूम होनी चाहिए। तो बेटे क्वेश्चन नंबर सेवन आप प्लीज जरूर देखें, और डेप्रिसिएशन के बारे में काफी कुछ मेंशन किया मेरे बेटे, और थ्योरी में बहुत बार आ चुका बेटे, थ्योरी में आ चुका है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो बेटे जरूर पढ़ना चाहिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन में क्या होता वो मैंने बताया, तो एक था टाइगर टाइप क्वेश्चन लिखा बेटे मैंने क्वेश्चन सेवन, इंपॉर्टेंट मार्क करें, एक था टाइगर टाइप क्वेश्चन। तो बेटे क्वेश्चन सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट्थ में आ जाए,
What is the difference between reserve and provision? कम से कम 50 बार आ चुका हो कि reserves में और provisions में क्या difference है? Reserves में और provision में क्या difference है? बेटे पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो आप please question 8 को very important मार करें। और देखिए जी मैंने लिखा भी हुआ है Hall of Fame type question कि इतनी बार आ गया कि इस बार दोबारा आएगा और सुपरहिट सम्राट बनेगा। तो बेटे difference between provision and reserves आ सकता है। Note on reserves and provisions। बेटे provision क्यों बनाते हैं और reserve क्यों बनाते हैं? बेटे provision बनानी compulsory होती है और बेटे reserve बनाना compulsory नहीं होता। reserve आप अपनी मर्जी से बनाते हैं, provision आप जबरदस्ती बनाते हैं। जरा देखते हैं बेटे क्या लिखा है। Provision shall mean any amount written off or retained by way of providing for any liability. आपकी देनदारी है, आपकी liability है, आप उस liability को देना चाहते हैं, भविष्य में देंगे। तो बेटे आप उसकी आज ही provision कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बेटे revenue recognition concept. Which the amount cannot be determined. बेटे हमें देने तो हैं, अब हमें नहीं पता चल रहा कितने देने हैं। तो बेटे हम क्या करते हैं, उसकी provision बना देते हैं। हमें ये तो पता चल रहा है कि नुकसान होगा, हमें देने पड़ेंगे, कितने कितना नुकसान। तो बेटे उसकी हम क्या करते हैं, provision बनाते हैं। तो provision for depreciation अभी देखा था, provision for doubtful debts, provision for repairs, provision for contingency, provision for taxation. हमने बेटे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था टैक्स के ऊपर, बेटे टैक्स की एडजस्टमेंट की थी, provision for tax. तो बेटे provision का मतलब पता होना चाहिए। provision is created for meeting any future expense or any future liability. You should be aware of that. ठीक है जी। reserves, the expression reserve shall not include any amount retained or written off by way of providing for depreciation this. तो कह रहा जी the expression reserve shall not, underline कर दीजिए shall not, include any amount बेटे। द कैपिटल रिजर्व, रिजर्व वो होता है बेटे जो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, हम प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट रिजर्व में रख लेते हैं, हमारी मर्जी होती है। बेटे एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगे, उसमें जो सलमान खान होता है छोटी छोटी पोटलियां बनाता है कि ये मेरी, ये पैसे मेरी दादी जी के ऑपरेशन के लिए, ये पैसे मेरी बहन की शादी के लिए, ये पैसे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। तो बेटे इसी तरह से एक फाइनेंस मैनेजर, एक कंपनी सेक्रेटरी प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट अलग अलग जगह रिजर्व्स में रख देगा। उसका पर्पस अलग अलग होता है। जैसे एक रिजर्व है कैपिटल रिजर्व, इसका पर्पस बेटे अलग होगा। ये बनता कैसे है, प्रॉफिट्स में से, कैपिटल प्रॉफिट्स में से, फिक्स एसेट्स के कैपिटल प्रॉफिट्स हो गए, प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, तो बेटे वहां से बनता है। तो आपको ये यूज कहां करना है, वहीं पे यूज करना है। रेवेन्यू रिजर्व, तो बेटे एक होते हैं कैपिटल रिजर्व्स, एक होते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। जो रेवेन्यू प्रॉफिट से बनते हैं बेटे उनको रेवेन्यू रिजर्व्स बोलते हैं, और जो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट से बनते हैं उसको बेटे कैपिटल रिजर्व। मेरी बात समझ आई? तो बेटे नीचे देखो मैंने पर्पस भी लिखा है, डिफरेंस लिखा है। प्रोविजंस क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस,
रिजर्व फॉर प्रोबेबल पर्पस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। इट इज अ चार्ज, अंडरलाइन कर दीजिए, प्रोविजन इज अ चार्ज, इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी कि आप टैक्स की प्रोविजन बनाए, इट इज कंपल्सरी दैट आप प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी प्रिपेयर करें, बट रिजर्व इज एप्रोप्रिएशन, बेटे अंडरलाइन कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूट एज प्रॉफिट, क्या 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 प्रोविजन को हम प्रॉफिट से जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट रिजर्व्स को देख लीजिए, रिजर्व्स जो भी होंगे नॉर्मल पर्पस के होते हैं, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, फ्री फ्री, जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। तो बेटे जनरल रिजर्व को हम प्रॉफिट्स को, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, प्रोविजन का जो पैसा है इट कैन नॉट बी इन्वेस्टेड, रिजर्व्स का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेटे बड़े सारे डिफरेंसेस हैं प्रोविजंस में, रिजर्व्स में। अगर आप मेरे बेटे होगे और आप मेरे दोस्त होगे, अगर आप मेरी भाई बहन होगे, तो बेटे ये क्वेश्चन जरूर करके जाओगे। बेटे थ्योरी भी साथ साथ हम करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, और दोनों का जो मिश्रण होगा बेटे उसी से तो बातें निकलेंगी। तो आइए जी प्लीज क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाए, 9th में आए। बेटे पिछली क्लास में मैंने आपको एक टैक्स की एडजस्टमेंट कराई थी, एडवांस टैक्स के बारे में बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स बताई थी। तो बेटे आपको मालूम है मैंने पीपीटी बताई थी, फिर मैंने समझा के बताया था, मेरा दिल नहीं माना बेटे, दिल नहीं माना, मुझे लगा कुछ कम है, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9th मैंने यहां पर देख लीजिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, प्लीज देखिए। बेटे क्वेश्चन नंबर 9th, बेटे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स क्यों देते हैं, एडवांस टैक्स के कारण क्या है, बेटे सब बताया था, फिर भी मैंने यहाँ पर आपके सामने काफी कुछ और भी लिख दिया, सो दैट कि अगर पेपर पे आए, थ्योरी में आए, तो मेरा बेटा लिख कर आए, मेरा बेटा लिख कर आए। बेटे जब माँ बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है, तो बेटे बेटी को भी बेटा ही बोल देती है, बेटे ये प्यार है और कुछ भी नहीं, मन से निकल जाती है बेटे बातें। आओ आओ बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स की हमने सारी एंट्रीज की थी, अब बेटे क्वेश्चन नंबर 10th मुझे लगता है कि बहुत बार आ चुका है। राइट शॉर्ट टर्म लोन डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, आज हम इसके ऊपर एडजस्टमेंट करेंगे। डिस्कस द कंडीशंस दैट हैव टू बी सेटिस्फाइड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स, डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स, specify the sources from which dividend can be declared। तो बेटे बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे उसने पूछ लिया है, तो अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहता क्या है। ठीक है जी, और उसके बाद है जी इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड दो प्रकार के हो सकते हैं कंपनी एक्ट में, एक इंटरिम और एक फाइनल। फाइनल को हम प्रपोज्ड भी बोलते हैं, जो एजीएम में डिक्लेयर होता है उसको बेटे प्रपोज और फाइनल बोलते हैं। तो डिफरेंस देखिए, द डिफरेंस डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स, द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डायरेक्टर्स बिटवीन टू एजीएम, मतलब एजीएम से पहले ही हम मीटिंग करके जो देते हैं। फाइनल डिविडेंड, द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड, बेटे जो एनुअल जनरल मीटिंग में देते हैं उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको अचानक ह्यूज प्रॉफिट हो जाते हैं तो बेटे आप क्या करते हैं, आप इंटरिम डिविडेंड देते हैं, ठीक है जी। तो बेटे ये बात सब बताई थी, क्या बढ़िया कोटेशन लिखे बेटे, डू नॉट स्टॉप
when you are tired, stop when you are done. जैसे मैंने आज के लेक्चर के शुरू होने से पहले बोला था, उठना मत जब तक लेक्चर खत्म ना हो जाए। भले आपको कोई नहीं देख रहा, फिर भी कोई देख रहा है, तो उठना मत जब तक लेक्चर ना खत्म हो जाए। भले कितने भी थक गए हो, भले कितने भी थक गए हो, तब भी बेटे उठना मत। आइए इन्हीं बातों के साथ मैं आज थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूं। क्वेश्चन नंबर मैं चाहता हूं जी 3, एक बार खोल लें। सेकंड कर लिया था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटे, ये आपके सामने है, खोल लीजिए प्लीज। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने नीचे लिखा है पेज नंबर 272 से लिया बेटे, बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्सीलेंट लिमिटेड। एक कंपनी है बेटे एक्सीलेंट लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2012। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से ट्राई किया होगा, मैंने इसको 2-3 बार होमवर्क में दे दिया था। भले नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर आपने ट्राई किया है तो जो मैं अब बोलूंगा गहरी गहरी बातें आपको समझ आएगी, और अगर आपने पहले से ट्राई नहीं किया तो बेटे अब जो मैं बोलूंगा शायद कम समझ आए। तो बेटे देखना अब आपको कितनी समझ आती है। शेयर होल्डर फंड, ट्रेड पेबल्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, बेटे अलग अलग चीजें दी हुई हैं, चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। बैलेंस शीट पढ़िए। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल बेटे टोटल है, टोटल देख लीजिए, टोटल नहीं दिया है, 10,90,000 बेटे। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल है और इंटेंजिबल नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है जी नोट 1 जो है ऊपर ये जो शेयर कैपिटल आ रहा है 7 लाख, ये इस तरह से आएंगे 7 लाख। इसमें 2 लाख प्रेफरेंशियल कैपिटल है, 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, और जो ऊपर रिजर्व्स का बैलेंस आया 3,53,000, ये इस तरह से आया। वो कह रहा है जी रिजर्व्स में क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, और प्रॉफिट एंड लॉस है। और अभी अभी मैंने बताया कि रिजर्व से सरप्लस का क्या यूज है। फिर टेंजिबल फिक्स एसेट्स लिखे हैं बेटे, और नीचे लिखे हैं बेटे एडजस्टमेंट्स। बेटे आप ही की स्टडी की इलस्ट्रेशन है, बेटे आपकी स्टडी की इलस्ट्रेशन है बेटे, ध्यान से बेटे पहली एडजस्टमेंट देखिए। ऑन दिस डेट कौन सी, 31 मार्च वाली डेट, कंपनी ने डिसाइड किया टू रिडीम इट्स प्रेफरेंशियल्स। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने प्रेफरेंशियल्स रिडीम करना चाहते हैं, ठीक है, वापस पैसे देना चाहते हैं उनको एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पे प्रेफरेंशियल होल्डर्स को उनके पैसे वापस करना चाहती है, ठीक है जी। प्रेफरेंशियल्स हैं कितने बेटे, बेटे 2 लाख के, और बेटे 5% अगर हम देखें तो 10,000 रुपए आता है, तो 2,10,000 रुपए हम वापस दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटे जब प्रेफरेंशियल्स का चैप्टर आपने किया था, और जो चैप्टर मैंने आपको पहले ही प्रेफरेंशियल कैपिटल में करा दिया है बेटे, उसमें हमने जनरल एंट्रीज की थी कि प्रेफरेंशियल्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ 2 सोर्सेस। प्रेफरेंशियल्स 2 सोर्सेस से ही रिडीम हो सकते हैं, एक तो फ्रेश इश्यूज और एक पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। और बेटे पास्ट ईयर प्रॉफिट्स भी कौन से, बेटे जनरल रेवेन्यू प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व से आप
प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं। तो बेटे उसके बाद है एडजस्टमेंट टू फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 1,10,000। इस पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टमेंट थ्री, 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इश्यूड। बेटे नए शेयर्स इशू किए गए एंड 1,00,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व। दो बार आ गए बेटे, 1,00,000 काट दीजिएगा एंड 1,00,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। और बेटे मैंने तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई हुई है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर रिडेम्पशन द कंपनी इशूड बोनस शेयर्स। मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट के चैप्टर में फोर फीचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, राइट शेयर्स, बायबैक, कुछ भी आ सकता है बेटे, कोई घबराना है ही नहीं। घबराए किस बात का बेटे? घबराए तो तब हमें जब लॉजिक ना बताओ। पास जनरल एंट्रीज, वो कहता जी जनरल एंट्रीज पास कीजिए, ओके। एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, और वो कहता जी खाली बैलेंस शीट बना के दिखाओ, प्रॉफिट एंड लॉस मत बनाओ। उसका डाटा दिया भी नहीं है बेटे उसका। तो कई बार देखा गया कि आपको या तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाएगी और या खाली बैलेंस शीट आ जाएगी। बेटे कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं एक दो मिनट और दे रहा हूं बेटे, आप आराम से इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ शुरू करते हैं बेटे।